अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। मुखमार अधिकारियों के घरों के सामने अगर छोड़ दे तो हर जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। सत्ता बदल गई, जनप्रतिनिधि बदल गए, लेकिन हालात जैसे के तैसे हैं। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 2 का है, जहां आज भी गलियां गांव से बदतर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई त्योहार बीत गए, विगत 2 माह से सड़कों में पानी भरा है, जिसके चलते मच्छरों की भरमार है। सफाई की बात तो दूर, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि नगर निगम महापौर अपने MIC सदस्यों के साथ लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जो आए दिन सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी गंभीर समस्या वाले क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। आइए दिखाते हैं वार्ड क्रमांक 2 का हाल और सुनाते हैं यहाँ के निवासियों का क्या कहना है। रोड नाली के विकास नहीं है, कभी कोई रोड नाली के विकास नहीं है। अच्छा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सबके भाई, वो अपने घर के सामने इतनी गंदगी, घर मामा नहीं जा रहा था। हम तो खुद है बयानबाजी, 5 साल सब को करे ना भाई, नहीं मिले आए रहे अच्छा। नहीं, ये रोड के बारे में, ये रोड आपकी, आपके सामने पानी भरा हुआ है, आपके सामने रोड नहीं है? नहीं, रोड नहीं है, नाली नहीं है, रोड नाली कितनी गंदगी। वोट मांगने 5-5 जी आए आपसे? हाँ, 10 बार आए होंगे, है ना? ये बनवाएंगे रोड नाली, है ना? बोले भी हम लोग, बोले भी तो बोले कि हाँ पहले हमको मौका तो दीजिए। अच्छा, मौका तो उनको मिल गया। हाँ, मौका मिला, लेकिन करते नहीं, आए ही नहीं किसी दिन। ये यहाँ देखिए, निकलने के लिए इतनी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को कि इधर 100 घर बने हुए हैं, 100 से ज्यादा ही हैं, लेकिन कोई पैदल निकलना मुश्किल है, किसी को बाहर जाना है, किसी को मंदिर, सीधे लेटरिन का पानी आता है यहीं पे ना। क्यों पार्षद जी तो बोल रहे थे कि सर्वे हो चुका है, बजट पास हो चुका है, काम लगने सब हो चुका है, वो कुछ नहीं करवाने वाले हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता, आज तक देखने ही नहीं आए वो। तो आप लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किया है, तो भी पार्षद जी नहीं आपका ध्यान दे रहे हैं। करता पता कि हमने सपोर्ट किया उनको, उन्होंने कुछ किया ही नहीं काम। अब देख, आप वीडियो के माध्यम दिखा सकते हैं आप। तो क्या आप लोग किससे वोट दिया है? वोट दिया है, दबाव में दिया है क्या उन लोगों को? नहीं, नहीं, वोट दबाव में नहीं दिया, लेकिन हमने इस माध्यम दिया था कि रिश्तेदारी तो नहीं निभावे ला गया आज। नहीं, आइए भैया, इधर आइए। ये आपका घर है, यहाँ क्या दिक्कतें हो रही है आपको? दिक्कत हो रही है, वहाँ से पानी आ रहा था, सब यहाँ भर गया। अच्छा, नाली नहीं बनी? आप, आपसे वोट मांगा गया, आपने वोट दिया? वोट तो दे भाई, वोट। अच्छा, और आज तक राजू राजू भैया रही आए पार्षद आपसे मिलने? भैया आए, आए देख के चले बस, फिर इसके बाद कुछ हुआ नहीं? आपने कहा उनको माल बालो डबाने के लिए, तो क्या बोले वो? बजट आएगा ना, बजट कब तक आ जाएगी उनकी? हाँ, बहुत दिनों से बनी हुई है, हम लोग नाली रोड सबका टैक्स भरते हैं, चुनाव भी हो गया है, और यहाँ की नाली नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ का कोई भविष्य ही नहीं है सर, ये मान लीजिए आप। इस न्यूज़ चैनल के हिसाब से हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पार्षद और महापौर जी आए ही नहीं। ये बार बार चुनाव के विपरीत कहा गया कि रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, गंदा पानी हम साफ करेंगे, ये आज तक हुआ ही नहीं कि 4 महीने हो गए अभी। पार्षद एक बार भी नहीं आए, पार्षद एक बार भी नहीं आए, महापौर जी भी नहीं आए। सूचना दिया है आपने पार्षद को? हाँ, 2-3 बार फोन लगाया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक, क्या बोले पार्षद? कल बात हुई थी कि बोले 9 बजे आएंगे, अभी तक उनका 9 ही नहीं बजा। और महापौर जी से भी थोड़ा सा बात नहीं हुई, अब उनके पास जाने के प्रयास करेंगे हम लोग, बाकी हमारे विवेक भैया है बताएंगे। बताइए विवेक भैया, क्या दिक्कत हो रही है? समस्या, हमने सभी से बात किया, हमने पार्षद जी से 2-3 बार बात किया, पार्षद जी बोलते हैं बस आएंगे जाएंगे, मतलब कुछ भी ना, तो वो आते हैं, आके देख के चले जाते हैं। 15 सालों से दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा पानी सब मिलके ये नगर निगम में बस्ती आती है, यहाँ नाली पानी दिखाया जाए, थोड़ा सा नाली पानी दिखाया जाए, क्या इस बस्ती में नेता लोग चलना पसंद करेंगे? नहीं, क्या नया भारत यही है? विधायक जी कितनी बार आ चुके हैं? विधायक जी एक बार भी नहीं आए, सांसद कोई नहीं आता यहाँ, ना बनवाता है रोड, हम लोग को दिक्कत होती है। जब वोट मांगना होता है, वादे पे वादे करते हैं लोग बस, और कुछ नहीं। चुनाव के टाइम फिर आप लोगों ने क्या ध्यान दिया? विधायक जी आते हैं, बोलते हैं विधायक नीति से करवा देंगे, इससे करवा देंगे, आते हैं
एक आध दो जब से वो विधायक बने हैं वार्ड नंबर दो में, तो एक दो बार आए हैं आज तक, मतलब वार्ड नंबर दो सबसे पिछड़ा, नया नाली न मीठा पानी आए ही नहीं है।